सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मैं रशिया में डिपोर्ट होने से बचा और हमको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि हम किसी भी कंट्री से डिपोर्ट ना हो। क्योंकि आपको जब वीज़ा मिल जाता है तो आपको लगता है कि आप तो उस कंट्री में पहुंच जाओगे, पर ऐसा नहीं होता। आपके वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद भी आपको वो डिपोर्ट कर सकते हैं, और डिपोर्ट होने के बाद आपको खुद अपनी फ्लाइट की टिकट्स करानी पड़ती। बहुत सारा झंझट है जो आपने प्लान बिल्कुल नहीं किया होता और आपको लगता है कि क्या हो गया। सो ये स्टोरी है कि जुलाई 2022 की, कि मैं रशिया पे लैंड किया था मॉस्को एयरपोर्ट पे, एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार चलो फाइनली मैं रशिया पहुंच गया हूँ। वीज़ा लेने में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत की सिचुएशन थी। सो मैं आई वाज सो हैप्पी कि आज चलो फाइनली मैं रशिया तो पहुंचा, अब यहाँ पे आगे क्या होगा देख लिया जाएगा। तो मैं वहाँ रशिया पहुंचा, मॉस्को एयरपोर्ट पे पहुंचा, एंड इमिग्रेशन के पास में था। लाइन दो तीन चार लाइन थी, अलग अलग कंट्रीज के लोग थे। सो मैं इमिग्रेशन वाली लाइन में खड़ा हुआ, एंड आई वाज सो हैप्पी कि यहाँ चलो 5 मिनट में ये चीज़ें हो जाएगी। मैं काउंटर पे पहुँचा, मैंने अपना पासपोर्ट उनको दिया। एक लेडी पीछे बैठी थी पासपोर्ट, उसने पासपोर्ट ऐसे देखा और उसने मुझे देखा और उसने पासपोर्ट देखा। वो दो तीन मिनट कुछ ना कुछ लैपटॉप करती रही अपने कंप्यूटर पर। चलो अभी प्रोसेस कुछ ना कुछ हो रहा होगा। पीछे से ही मेरे एक बंदा आता है, लाइक 6 फिट का बंदा होगा, लंबा चौड़ा ब्लैक सूट में, और वो मुझे बोलता है, वो लेडी उसको पासपोर्ट पास कर दिया वहाँ से पीछे से, और वो मुझे बोलता है, पासपोर्ट ऐसा खोलता है, नाम पढ़ता है विनायक। एंड आई वाज लाइक यस कम विद। उसने दो तीन ऐसे इंडियंस को वहाँ से लिया, कि क्या हुआ। मैं तो खुश था कि भाई अभी तो जाना है, अभी बाहर निकलेंगे, वो अपना ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा। एक महीने का मेरे पास वीज़ा था, वो मुझे ऊपर लेके गए। वहाँ पे और भी लोग बैठे थे, मतलब लाइक उनकी ये प्रोसेस होगा शायद, इनका इनकी कंट्री का प्रोसेस होगा, बहुत सिचुएशन है, सिक्योरिटी और इन लोगों ने बढ़ाई होगी तो ये प्रोसेस के थ्रू जाएंगे वैसा है। और ऊपर कई सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने एक मतलब ऐसा नहीं कि कमरे के अंदर हमको बंद कर दिया, पर एक ऐसा कॉर्नर बना के रखा था जो चारों तरफ से लॉक था, मतलब एक बाहर दो तीन पुलिस वाले खड़े हुए उनके कमरे के। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यार अभी क्या होगा, कितना टाइम लगेगा। वहाँ पे कुछ इंडियंस भी थे तो मैं उनसे इंटरेक्शन नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको समझ में आ जाता ना कौन इंडियन, आपको बॉडी एक एक बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आता कि अच्छा यू नो। तो वो एक इंडियन बन रहा था, वो मुझसे काफ़ी बात करने की कोशिश कर रहा था, और मुझे वो दोनों की वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना पैसा लेके आया तुम, क्या क्या चीज़ें। तो मैं उसके साथ बात करने में कंफर्टेबल नहीं था, और मुझे था कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं अकेले अपना घूमने आया हूँ, और वो लोग शायद मुझे देख भी रहे होंगे कैमरे से। सो मैं अलग बैठ के अपना फाइल वाइल निकाल ली मैंने, जहाँ पे टिकट्स थी, कि चलो अभी मेरा नंबर आएगा, अभी नंबर आएगा। 1 घंटा हो गया, कई सारे ग्रुप अलग अलग कंट्री के लोग आए भी चले गए, मैं बैठा हुआ हूँ, एक इंडियन के का इंटरव्यू भी हो गया, फिर वो वापस आके बैठ गया। क्या सिचुएशन है अभी, क्या हो रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है और आगे क्या है, क्योंकि ये मैंने प्लान ही नहीं किया था। मुझे था यार सक्सेस निकल जाएंगे प्रोसेस में। मैं बैठा रहा, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, और 1 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है, और वो बंदा मुझसे पूछ रहा है कहाँ जा रहा है वो, कहाँ रुकोगे, क्या है वो है। अनकम्फर्टेबल था तो मैं पीछे जाके बैठ गया, मैंने पानी भी नहीं पिया, वहाँ पे अपना कैमरा भी नहीं निकाला, कि मैं अपना ट्रैवल पूरा शूट कर रहा था, पर उस समय मैं अपना कैमरा भी नहीं निकाला कि यार कैमरा निकालूंगा ये लोग देख लेंगे कुछ और है। सो आई वाज सो क्लियर कि यार जो भी मुझसे पूछेंगे ना मैं इनको सीधा सीधा बता दूंगा, क्योंकि मैं टूरिस्ट वीजा पे गया था और मैं वहाँ पे अपनी फ्रेंड से मिलने वाला तो था। चक्कर मतलब था उसमें कि मैंने होटल्स कराए थे, फिर मैंने कैंसिल कर दिए थे होटल्स, कि मैं अपने फ्रेंड के साथ रुकने वाला था, वो पूरा प्रोसेस था। क्योंकि जब आप इनविटेशन लेते हो तो आपको एक होटल बुकिंग इनविटेशन वाले को भेजनी पड़ती है, पूरा प्रोसेस होता। तो मैंने होटल कैंसिल कर दी थी क्योंकि मैं होटल में रुकने ही वाला था, और इन्विटेशन के लिए मैंने सिर्फ होटल बुक किया। सो एनी वे वो बंदा आया, मैंने उनको दिखाया, पहले मैं मेरी 1 घंटे में फ्लाइट थी मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, तो मैंने उनको दिखाया बंदे को कि आई हैव अ फ्लाइट। तो जो बाहर बंदा था उसको इंग्लिश समझ नहीं आती पहली चीज़, वहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनको सिर्फ रशियन समझ में आती है, और आप बहुत मुश्किल से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मैं पूरे बॉडी लैंग्वेज मैंने पेपर दिखाया था, आई हैव अ फ्लाइट,
भाई कि मेरी 1 घंटे में फ्लाइट है यहाँ से भाई, और अभी जो भी प्रोसेस है आपका करो, मतलब जो भी करना है करो, उसको फाइनल करो। उसने कहा ओके ओके ओके, यू हैव अ फ्लाइट, यस। तो उसने किसी अपने हेड को बताया होगा जाके, हेड ने किसी और को बोला, फिर वहाँ से एक स्पेशल बंदा आया, उसने मेरा नाम लिया, मेरा हाथ में उसके पासपोर्ट था, उसने मेरा नाम लिया विनायक, लाइक यस। एक फिर वो स्पेस से आप बाहर निकल के जाते हो जहाँ पे वो खड़ा होता है, टेबल्स कई सारी, 3-4 टेबल रहती है, उस पर आके वो उसने अपना रखा, उसने मेरा उसने मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। उसने पहले सबसे पहले मेरा फ़ोन मांगा मुझसे, उसने फ़ोन में एक कोड डाला, सो जिससे फ़ोन की नेटवर्क की डिटेल आ जाती है आपके पास, कि कौन सा EMI नंबर या उससे भी ज़्यादा डिटेल्स आ जाती है, तो जिससे आपका फ़ोन ट्रेस हो सकता है, एक कनेक्शन होता। तो उसने वो नोट डाउन किया, फिर उसने पूछा कि सर एक्सप्लेन एवरीथिंग, कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। मैंने बताया कि हाँ मैं अपने फ्रेंड से मिला है वहाँ पे, उससे पूछा फ्रेंड से कहाँ मिले, मैंने उसको बताया कि मैं फ्रेंड से यहाँ पे मिला, ये मेरा फ्रेंड है, ये रशियन फ्रेंड है। और अच्छा, फिर उसके बाद उसने और पूछा कि आप कितने दिन यहाँ पे रहने वाले हो, आपकी रिटर्न टिकट, रिटर्न टिकट। मैंने फोटोज़ भी अपनी दिखाई, उसके फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ अपनी फ़ोटोज़ भी दिखाई, जो मेरा फ्रेंड इंडिया आया था तो उसकी फ़ोटोज़ थी मेरे साथ, मैंने उसको फ़ोटोज़ दिखाई। उसने मेरे फ्रेंड का टेलीग्राम चेक किया और सारी चीज़ें डिटेल, लगभग 30 मिनट उसने मेरा फुल इंटरव्यू लिया मुझसे, उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आप क्या करते हो, कहाँ पर रुकोगे, क्या चीज़ें हैं, क्या है। तो मैंने फुली बताया कि हाँ मैं यहाँ पर रुकूँगा, मैं अपने फ्रेंड के घर पर रुकूँगा, और ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें फुल। तो मेरे फ्रेंड का नंबर दिया। सॉरी गाइस, नीचे बारिश होने वाली थी तो मैं ऊपर आ गया, आगे की स्टोरी यहाँ से बताऊँगा। सो एनीवे, उसने सब कुछ चीज़ें चेक करी, मेरे पेपर्स चेक किए, रिटर्न टिकट चेक करी, कितना कैश है मेरे पास चेक किया, फ़ोन की सारी डिटेल्स चेक करी, फ़ोटोज़ चेक करी, मैं क्या करता हूँ, मेरे फादर क्या करते हैं, मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए आया हूँ, कहाँ कहाँ घूमने जा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन किए। 30 मिनट के बाद उसने मेरे दोस्त का नंबर लिख लिया, और जो चीज़ उनसे पूछा था कट से अपने पेपर में लिख लेता था, अब फ्लाइट जा रही है ऊपर से। फिर उसके बाद वो नीचे गया, मैं अपनी जगह पर आ गया, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मुझे लगा चलो अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। वो पुलिस ऑफिसर ऊपर आया, उनके हाथ में पासपोर्ट था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि कम विद मी, और फिर हम लोग आगे वाले प्रोसेस के लिए चले गए। उसने मुझे लास्ट वाली विंडो पे लेके गया, उसने एक लेडी को पासपोर्ट दिया, लेडी ने मुझे देखा, वो देखा, और पासपोर्ट पे कन्फर्म का साइन लगा दिया, और आप इंटर हो सकते हो रशिया में। देन मैं इंटर हुआ, मेरी जो मेरा फ्रेंड था उसने मुझे बताया कि पुलिस ऑफिसर का उसके पास फ़ोन आया था, पुलिस ऑफिसर ने उससे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे कि अगर ये फ्रेंड को मिलने आ रहा है तो उसके लिए अलग वीज़ा होता है, तो मैं टूरिस्ट वीज़ा पे क्यों आ रहा हूँ, और क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था, जो चीज़ें उसने मुझसे पूछी थी वो सेम आंसर्स अगर उसको वहाँ से मिले तो आई थिंक वो कन्फर्म होगा कि हाँ सब चीज़ें सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश मेरे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा है, रिटर्न टिकट है। तो कैश होना, रिटर्न टिकट होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मैं और भी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था कि जो लोग डिपोर्ट हुए हैं, जो फाइनली वहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, कि उन्होंने अपने वीडियो में बोला था कि तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी बात को सबसे पहले कम्युनिकेट कीजिए कि आपको क्या बोलना चाह रहे हो। अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी, आप उनसे हंस के प्यार से बात करिए, आप डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हो या उन्होंने रोक लिया, आप उनसे नॉर्मल से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप नॉर्मल से उनको जवाब दो। और जैसे अब मैंने होटल्स की बुकिंग कैंसिल कर दी, तो मैंने उसको बता दिया कि मैं यहाँ पे रुकूंगा, आप उनसे पूछ सकते हो, कन्फर्म कर सकते हो। तो उसने पूछा वो चीज़, अगर आपकी बात वो आप सामने अगर कन्फर्म कर रहे हैं, उनको अगर वहाँ से अप्रूवल मिलता है या आपकी बात उनको समझ में आती है, तो आप चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको अगर मैं बोल देता नहीं नहीं मेरी होटल बुकिंग है, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आया हूँ, ये मेरी बुकिंग्स है, मैं तो मैं शायद डिपोर्ट हो जाता। पर मैंने जेन्युइनली चीज़ों बताई कि हाँ ये मैं यहाँ पे रुकूंगा, ये उनका नंबर है, आप उनसे बात कर लीजिए, ये उनकी फ़ोटोज़ हैं, ये चीज़ें होगी। और क्या चीज़ें हमको जो आगे मैंने समझ में आया चीज़ों और लोगों की वीडियोज़ देख के मुझे समझ में आया कि आपका ड्रेस कोड बहुत ज़रूरी होता है, कि आपने वहाँ पर क्या पहना हुआ है, क्योंकि आप एज अ मैन अगर आप सिर्फ सोलो ट्रैवलर हो,
एक लड़के को देख के, मतलब आप फैमिली के साथ हो आपकी चीज़ें इजी हो जाती है, आप कपल्स हो आपके साथ चीज़ें इजी हो जाती हैं, पर बहुत सारे केस मैंने उसमें देखे कि वो लोग फीमेल को छोड़ देते हैं और मेल को डिपोर्ट कर देते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक ड्रेस कोड, अच्छा आपने ड्रेस कोड पहन रखा है, एक जेन्युइन आप ड्रेस कोड से लग रहे हो, शेव्ड है, उस समय मेरी शेव नहीं था, थोड़ी थोड़ी थी मेरी, बियर्ड थी, और ड्रेस कोड है आपका, सही ड्रेस कोड है, आपने रिटर्न टिकट आपके पास है, कैश मैंने उसको बाकायदा निकाल के दिखाया कि ये देखिए मेरे पास रूबल है, मेरे पास जितना भी रूबल है मैंने खट से, मतलब उसने तुरंत पूछा कैश है आपके पास, तुरंत एक्शन, पर्स से तुरंत मैंने रूबल दिखाया ये कैश है, टिकट्स को प्रिंट आउट करा के रखो, हर चीज़ प्रिंट आउट करा के रखो, फ़ोन पे डिपेंड मत हो कि आप फ़ोन का PDF उनको दिखा दोगे, नहीं, चीज़ें प्रिंट आउट हों, खट खट चीज़ें आप उनको सामने दिखाओ कि हाँ यार बंदा फुल प्रिपेयर होके आया है, ट्रैवल करने आया है, एक बैग, क्योंकि मेरा बैकपैक भी उनके पास था, तो सब चीज़ें मेरे हैंड बैग में थी कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये कैश है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, खट 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 खट। देन उसके बाद उसने मुझे वहाँ से छोड़ा, एंड देन फाइनली मैं मॉस्को से, मेरी फ़्लाइट थी सेंट पीटर्सबर्ग की, और फिर वहाँ से मैंने भाग भाग के एयरपोर्ट पर, मैं भाग रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट आधे घंटे में, मुझे पता नहीं मेरा बैग कहाँ पे है, वो सब चीज़ें, मैं भाग के मैंने फ़्लाइट पकड़ी है, और फाइनली मैं सेंट पीटर्सबर्ग में लैंड किया। मैंने कहा चलो अब एयरपोर्ट से बाहर आके मुझे लगा कि हाँ चलो मैं फाइनली आ गया वो कंट्री में। तो ये चीज़ें हुई मेरे साथ। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और कुछ अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो या कुछ हुआ हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। और रशिया से रिलेटेड मैं पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैंने पूरा रशिया का ट्रैवल कवर किया है 25 डेज में। हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, हमने ट्रेन को कवर किया है, ट्रेन के साथ, ट्रेन में भी बहुत सारी कहानियाँ हुई है इस रशिया के ट्रैवल में ना मेरे साथ, मतलब ट्रेन छूटने से लेकर चीज़ों के ट्रेन का स्टेशन मिस होने से लेकर बहुत सारी स्टोरीज़ हुई हैं जो मैं इस अपनी पूरी सीरीज़ में शेयर करूँगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम विनायक मिश्रा है, मैं मुंबई से आपसे बात करूँ। थैंक यू सो मच।